नमस्ते। चुनाव बीत गए, उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही और चर्चा हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया, प्रभावित कर दिया। सत्ता नहीं बदली, प्रधानमंत्री पद पर चेहरा नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ बदल गया और जिसका असर, इस बदलाव का असर आने वाले वक्त में केवल देश की सियासत पर ही नहीं, प्रदेश की सियासत पर भी गहरे तौर पर देखने को मिलेगा। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब वो पहले वाले प्रधानमंत्री नहीं होंगे और इस बात के लिए कम से कम चुनावी समीकरण यही कहानी कह रहे हैं। और उनके सामने सांसदों की जो पूरी संख्या है, रूपरेखा है, वो पूरी तरह बदल चुकी है। और अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर इस असर को देखने के पहले हम देखेंगे कि क्या चुनावी तौर पर अभी सामने आने वाला, और वो चुनावी तौर पर यह है कि यूपी की 9 सीटें ऐसी हैं विधानसभा के जिसपे उपचुनाव होने वाले हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश की सरकार पर फिलहाल तो देखने से नहीं मिलेगा कि इन 9 सीटों, और अगर मनोज पांडे की सीट रायबरेली से खाली घोषित कर दी जाती है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन उनकी अंतरात्मा जब जागी कि सनातन धर्म को बचाने के लिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ राजनीति करनी होगी वरना धर्म नहीं बचेगा, और घर बुलाया और आलीशान घर, वाह, उसके बाद से चुनाव में सक्रिय रहे और लगातार ये एक संशय बना हुआ है कि उनकी सीट पर भी क्या उपचुनाव होंगे क्योंकि वो दूसरे विरोधी दल के साथ दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर निष्कासित कर देती है, ये तो तकनीकी चीजें आप समझते ही होंगे कि जब कोई नेता अपने मर्जी से दूसरे राजनीतिक दल को चुन ले और अगर उसकी पुरानी वाली पार्टी उसे निष्कासित घोषित कर दे तो उसकी विधायकी बची रहेगी, लेकिन दल बदल अधिनियम तब लागू हो जाएगा कि अब आपने विधायकी छोड़ी नहीं और अपने दूसरे विरोधी दल के साथ प्रचार में अगर नजर आ गए, सीधे सामने आ गए, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई, दल बदल कानून लागू हो जाएगा। तो 10वीं सीट उपचुनाव के लिए फिर से खाली हो जाएगी। फिलहाल 9 सीटें सीधे सीधे तौर पर उपचुनाव के लिए खाली होने वाली है। आज की तारीख में 9 या 10 सीटों पर क्या चुनाव परिणाम होंगे, इससे विधानसभा या उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि वहां फुल मेजोरिटी बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी के अंदर खाने बहुत सारी खबरें हैं कि वहां पर उनकी अंदरूनी राजनीति से कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ असर पड़ने वाला हो। बड़े दिनों तक चर्चा हुई है साहब, पता नहीं आप लोग इसको कितना रुचि रखें, अभी तो कुछ दिन से चर्चा थमी हुई है, लेकिन सुख बुगाड़ते जाए कि मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, शपथ ग्रहण की उनकी भावभंगिमाएं, चेहरे, वीडियोस लोग लगातार पेश करते रहे कि अरे भैया योगी जी का क्या होगा, योगी जी ने लगता है 37 सीटें के पीछे बीजेपी को कमजोर करने के लिए कुछ चाल चली है। बीजेपी के अंदर खाने से खबरें आ रही क्योंकि उनको ये संदेह हो गया था कि अगर ये लोग तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आ गए तो ये हमको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, और फिर शपथ ग्रहण के बाद वो जब लौटते हैं और मंत्रालय की बैठक करते हैं तो दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल नहीं होते और उसमें से एक केशव प्रसाद मौर्य तो लंबे समय से दिल्ली में ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा हो, लेकिन दोनों गुट आपस में टकराए जा रहे हैं। टकराहट की खबर तो खुद RSS और बीजेपी के बीच से आने लगी है। कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 दिन RSS प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में थे और ठीक उन्हीं दिनों योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन गोरखपुर में थे, लेकिन दोनों की मुलाकात न हो सकी, और इसके पीछे भी लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं, कहानियां चल रही हैं।
हालांकि आरएसएस ने बीजेपी का साथ दिया या नहीं दिया इसको भी लेकर के लोग ढेर सारे नैरेटिव चल रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का बयान आ गया, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, विपक्ष विपक्षी खेमे को, विरोधी खेमे को प्रतिपक्षी खेमे, अचानक से अंतरात्मा जाग गई। 10 साल इस देश के विपक्ष को कमजोर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, चुने हुई सरकारों को गिराया गया, चुने हुए सांसदों और विधायकों को खरीदा गया, बेचा गया, सब कुछ हुआ। आरएसएस प्रमुख मौन धारण कर रहे थे, मौन आसन। और जब चुनाव परिणाम आया, 2-4 दिन के भीतर ही आरएसएस प्रमुख का बयान आया कि प्रतिपक्षी को प्रतिपक्षी समझना चाहिए, विरोधी नहीं समझना चाहिए, एक मर्यादा रखनी चाहिए चुनाव में। अचानक से तो अंदर खाने बीजेपी के क्या चल रहा है ये तो बेहतर बीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई तरह की सुगबुगाहटें सुनाई देने लगी। टॉप के 2 लोग न बदले जाएं, इसके लिए टॉप के 10 लोग नहीं बदले गए, मंत्रालय वही के वही रहे। क्या आप जानते हैं कि रामदास अठावले एक भी सांसद उनके चुनाव में नहीं जीते, फिर भी रामदास अठावले मंत्री बनेंगे। अनुप्रिया पटेल 1, जयंत चौधरी 2, जीतन रामाजी 1, फिर भी ये सारे लोग मंत्री बने। क्या गजब का कॉम्बिनेशन। कल तक जो मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, मोदी सरकार, मोदी मोदी सब कुछ चल रहा था, अचानक से अब एनडीए हो गया है। ये असर पैदा किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति, ये असर पैदा किया है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति ने। और इसलिए इन 10 उपचुनावों में भले ही सरकार उत्तर प्रदेश में बदले न बदले, इन उपचुनावों से सीधे उसका कोई रिश्ता न हो, भले ही उन उपचुनावों से कोई सीधे रिश्ते से मुख्यमंत्री पद पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका रिश्ता बने, लेकिन जो राजनीति उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में बदल कर रख दी है, उस राजनीति के लिहाज से ये उपचुनाव बेहद खास होने वाले हैं। यूपी की फूलपुर, कौन 9 सीटें हैं, सीधे सीधे 9 सीटें, 10वीं तो मैंने बता दिया। अगर मनोज पांडे की सदस्यता रद्द होती है तो ऊंचा हार से रायबरेली में 10वीं सीट पर उपचुनाव होगा। फिलहाल 9 सीटें, यूपी की फूलपुर, मझवा, मेरापुर, मिल्केपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले। 6 महीने के भीतर नियमता हो जाना। अधिकांश जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर जो विधायक थे वो कहीं कहीं सांसद चुन लिए गए, और इस तरह से यह अब चुनाव होंगे सीधे सीधे समीकरण दिखेगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणनीति क्या होगी, पहले रणनीति पर बात करते हैं, फिर इन सीटों के समीकरण पर थोड़ा बात करेंगे, ताकि आपको भी यह समझने में आसानी हो कि आज की तारीख में अगर ये चुनाव होते हैं तो इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रणनीति क्या कहती है। उत्तर प्रदेश में बसपा शून्य हो गई। 2014 में बसपा शून्य हुई थी, 19 में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, 10 सीटें, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बसपा के जीत गए थे। उसके बाद आदरणीय बहन जी ने गठबंधन तोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने कहा वोट ट्रांसफर नहीं हुए, अब बसपा को किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। पूरे दमखम से 488 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी, इस पर फिर मैं बात करूंगा, लेकिन उनमें से एक भी सांसद उनके चुनाव नहीं जीत पाए। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अगर कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक खेमा अपनी ताकत के साथ हाजिर हुआ है, उपस्थित हुआ है, तो वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एक नए तेवर के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने संविधान की बात को केंद्रीय मुद्दा बना दिया राजनीति का उत्तर प्रदेश में, और फिर राहुल गांधी के साथ मिलकर के पूरे देश में। तो संविधान की बात केंद्र में आई। अखिलेश यादव का एक स्लोगन, एक बहुत शानदार चीज है, वो पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें आदि आबादी भी शामिल वो बार बार मानते हैं। तो ये जो पीडीए है, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। और तीसरी बात, अखिलेश यादव के आत्मविश्वास की है। 37 सीटें जीतने के बाद लोकसभा में 37 MP जिसके हों, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो बन चुकी हो, अपनी पार्टी के अब तक के इतिहास में एक चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो, कल्पना करिए उस नेता और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास कितना मजबूत होगा।
तो उस आत्मविश्वास से लबरेज होकर के समाजवादी पार्टी उन उपचुनाव में जमीन पर उतरने जा रही है। और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन फिलहाल मजबूत दिख रहा है। तो जो वोट एंटी बीजेपी है उस वोट में बंटवारा इस उपचुनाव में फिलहाल होता नहीं दिख रहा। सुखबुगाहट ये सुनाई दे रही है कि 9 में से 2 एक या दो सीटें ऐसी भी हैं जिसपे कांग्रेस के साथ वहां कैंडिडेट शेयर किया जा सकता है और कांग्रेस और सपा मिलकर के उन उपचुनावों को लड़ेगी। तो रही से कसर भी इनके पक्ष में चली जा रही है, बीजेपी के खिलाफ चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पूरे तेवर के साथ जब कोई उपचुनाव में उतरेगा तो उस उपचुनाव की पूरी समीकरण को बदल कर रखे। तो एक तो ये चीजें हैं। तो फूलपुर सीट का थोड़ा सा समीकरण समझते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के विधायक थे प्रवीण पटेल और 24 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद चुन लिए गए और ये बड़ी साजिश के साथ सांसद चुने गए। इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम बदल करके कर दिया गया उस पर 2 सीटें हैं, एक इलाहाबाद शहर की है, इलाहाबाद की है और दूसरी फूलपुर है। फूलपुर सीट पर पटेल मौर्य इन बिरादरियों के लोग यानी अति पिछड़े समुदाय के दलित समुदाय के लोगों का बहुमत है और यहां पर प्रवीण पटेल विधायक थे जिनको बीजेपी ने 2024 के चुनाव में सांसद का टिकट दिया और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरनाथ मौर्य ने चुनाव लड़ा। और आरोप समाजवादी पार्टी आज भी ये लगाती है कि साजिशन अमरनाथ मौर्य को 2,500 वोटों से चुनाव हरवा दिया। तो वो जो प्रवीण पटेल जीत गए, सांसद बन गए और 3,000 वोटों से जीते थे 2022 के चुनाव में और 2,000 वोट से सांसद बने, इसका मतलब साफ यह है कि प्रवीण पटेल जो कि अपनी विधानसभा में कमजोर हो गए, यहां जीत तो गए लेकिन वो अपनी विधानसभा में 18,000 वोटों से पीछे रहे। 22 के चुनाव में 24 के चुनाव में वो 18,000 वोटों से अपनी विधानसभा में पीछे रहे और अमरनाथ मौर्य इस विधानसभा में मजबूत रहे, यानी जो प्रवीण पटेल की विधानसभा है जिसमें फूलपुर विधानसभा पे चुनाव होने हैं वहां खुद प्रवीण पटेल कमजोर हो गए। तो उपचुनाव में ये सीट तो सीधे सपा के पक्ष में मजबूत दिख रही है। मैं विश्लेषण करने के पहले बता रहा हूं, अभी कैंडिडेट आएंगे तो हम लोग फिर से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल राजनीतिक समीकरण किसके पक्ष में इन उपचुनाव में जा रहे हैं इसको देखते हैं। तो फूलपुर सीट पे आज की तारीख में जब प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव में भले सांसद बन गए लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो पीछे हो गए 18,000 वोटों से, 22 के चुनाव में वो 3,000 वोटों से जीते थे, तो इस उपचुनाव में वो बीजेपी के लिए ये सीट जीतना बहुत मुश्किल हो। दूसरी सीट है मझवा, मिर्जापुर लोकसभा में आती है। एनडीए के सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने यहां जीत दर्ज की लेकिन 2,000 वोटों की लीड मिली, केवल मझवा में 2,000 वोटों की लीड अनुप्रिया पटेल को। और मझवा से जो विधायक थे डॉक्टर विनोद बिंद, उन्हें इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी ने, निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे वो, लेकिन बीजेपी ने उनको भदोही लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया और डॉक्टर विनोद बिंद मझवा से विधायकी के बाद भदोही से अब सांसद बन चुके हैं। तो मझवा सीट खाली होगी लेकिन वो जो लीड थी 33,000 वोटों का अंतर था 2022 के चुनाव में, डॉक्टर विनोद बिंद जो निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे वो 33,000 वोटों से चुनाव जीते थे और जब मिर्जापुर लोकसभा में अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती है तो वो मात्र 2,000 की लीड पाती। और अगर अब इस पूरे बदले हुए समीकरण को देखें तो समाजवादी पार्टी मझवा विधानसभा में भारी बढ़त की तरह से चुनाव में उतरेगी। बाकी परिणाम क्या होगा ये अंतिम बताएगा लेकिन आज की तारीख में यह रुझान मझवा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखता है। मीरापुर विधानसभा की बात करें तो यहां राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान विधायक थे जो इस बार बिजनौर के लोकसभा सीट पर सांसद चुन लिए गए 37,508 वोटों के अंतर से सांसद चुन लिए गए और इसलिए यह पूरा का पूरा सीट खाली हो रही है। राष्ट्रीय लोक दल और सपा के गठबंधन से 2022 में इस सीट पर यानी मीरापुर की सीट पर चंदन चौहान विधायक चुने गए थे 27,000 वोटों से और रालोद का गठबंधन इस बार बीजेपी से हो गया है
और बीजेपी और रालोद में वो केमिस्ट्री भी मजबूत दिख नहीं रही है, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जितना मजबूत मंत्रालय जयंत चौधरी डिजर्व करते थे वो उतना मिला नहीं। तो वो समीकरण इधर है और इधर सपा और कांग्रेस का गठबंधन। तो मीरापुर की सीट पर आज की तारीख में रालोद अगर बीजेपी के साथ अपनी आंतरिक झगड़े और चुनौती को मजबूती से डील कर ले गया तो मीरापुर विधानसभा में बीजेपी और आरएलडी मजबूत होगी, और अगर ये खटपट बना रहा तो यहां भी वो मुश्किल में पड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये सीट जा सकती है। अगली सीट की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा है, जहां अयोध्या की बहुत प्रसिद्ध ये जीत ऐसी अयोध्या की जो पूरे दुनिया में जिसकी गूंज सुनाई दी। अयोध्या के सांसद को हिंदू होने के नाम पर गालियां, अयोध्या के लोगों को गालियां, अयोध्या के लोगों को अपमान कि बताओ बीजेपी को हरा दिया जो राम को लायक थे ये। लेकिन अयोध्या के सीट पर कमाल हुआ, और उसके बाद वहां तो मांगा जा रहा है, आप सोचिए ना कि अगर आप दलित हैं और अगर आप सामान्य सीट पर चुनाव जीत गए तो आपको गाली मिलेगी, अपमान मिलेगा, और पार्टी को के नेताओं को कहना पड़ेगा कि इनकी जान को खतरा है। ये है हिंदू एकता, ये हिंदू होना। इस बात का जवाब भी हिंदू लोग पूछे जरा कि अवधेश प्रसाद पासी को किस बात के नाम पर उलाहना और अपमान झेलना पड़ा, अयोध्या वासियों को फैजाबाद की लोकसभा सीट को किस बात के लिए मतदाताओं का अपमान किया गया, इसको जरा आप भी पूछिए। फिलहाल मिल्कीपुर वो विधानसभा है जहां से अवधेश प्रसाद पासी सपा के विधायक चुने गए थे और 8000 वोटों से अपने विधानसभा में लोकसभा चुनाव में 8000 वोट से बढ़त में रहे, अपने लोकसभा में 13000 वोटों से विधायक बने थे अपनी विधानसभा में, और अपनी विधानसभा में 8000 वोट से इस बार आगे भी रहे। तो अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद चुन लिए गए हैं, इसलिए यहां पर उपचुनाव होगा। फिलहाल जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, अयोध्या के लोग फिर से तैयार हैं, बीजेपी एक कोशिश करेगी कि वहां पर अयोध्या से मिल्कीपुर से एक पासी को टिकट दिया जाए, लेकिन सपा भी इसके लिए रणनीति बना रही है। फिलहाल ये परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रही है। अगली सीट है करहल, जिससे बहुत प्रसिद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद इस सीट से विधायक थे, और डिंपल यादव को करहल 55000 की बढ़त मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, 22 में अखिलेश यादव ने इस विधानसभा में 67000 वोटों से चुनाव में जीत दर्ज की थी, और अब वो कन्नौज चले गए, सांसद बन गए। तो फिलहाल करहल की सीट तो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही जाएगी। कुंदर की एक विधानसभा है संभल में, जहां से विधायक समाजवादी पार्टी के थे जियाउर रहमान बर्ग, और संभल से लोकसभा के प्रत्याशी रहे, पिछली बार सांसद भी रहे। जियाउर रहमान बर्ग के पिता दादाजी शफीकुर रहमान बर्ग टिकट भी हो गया, 94 साल की उम्र थी, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया तो जियाउर रहमान बर्ग को संभल की सीट पर सांसद का टिकट दे दिया गया, और सांसद की सीट पर अब उन्होंने 60000 से अपनी विधानसभा जीती कुंदर की, और 2022 में केवल 43000 वोटों से वो जीते थे विधायक, और अब की उन्होंने अपनी विधानसभा से कुंदर की से लोकसभा में सांसद बनने के लिए 60000 वोटों की लीड हासिल कर ली। इसलिए कुंदरकी की विधानसभा सीट पर पूरी तरह से सपा का पलड़ा भारी है। कटहरी है अंबेडकर नगर की एक लोकसभा, जहां से सपा के विधायक थे लालजी वर्मा, और अब वो सांसद बन गए, और अब वो विधायक की सीट कटहरी खाली होगी। लालजी वर्मा को इस बार 2022 में केवल 7000 वोटों से चुनाव जीता था, और लालजी वर्मा जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी विधानसभा कटहरी से 17000 वोटों की लीड हासिल करते, और रितेश पांडे जो पहले बसपा में थे फिर बीजेपी में चले गए 1,37,000 वोटों से उन्हें हरा दिया। तो इस बार कटहरी में बढ़त बढ़ गई कि 7000 से विधायक बने थे, 17000 से सांसद बन गए अपनी विधानसभा में, ज्यादा बढ़त से। तो कटहरी विधानसभा भी आज की तारीख में सपा के पक्ष में है। गाजियाबाद की विधानसभा, जिसके अतुल गर्ग विधायक थे और वो सांसद चुन लिए गए हैं, दौली शर्मा के खिलाफ 70000 वोटों की बढ़त मिली थी। तो ये गाजियाबाद की सीट ऐसी है, 22 के विधानसभा चुनाव में 1,00,000 से ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को, इस बार 70000 ज्यादा मिला, इसलिए माना जा रहा है कि गाजियाबाद सीट पर बीजेपी मजबूत है। खैर सीट एक ऐसी है अलीगढ़ की, जिसके बीजेपी के विधायक थे अनूप प्रधान,
वो चले गए हाथरस, सांसद चुनाव लड़ा 2,67,318 वोटों के बड़े मार्जिन से वो सांसद बन गए, इसलिए खैर सीट बच गई है, खाली हो गई है। फिलहाल खैर की सीट पर अभी कांटे की लड़ाई बनती दिख रही है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले। और फिलहाल अखिलेश यादव जैसा एक चमत्कारी नेतृत्व जो बहुत आत्मविश्वास से लबरेज है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का आत्मविश्वास है और समीकरण उनके पक्ष में है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी के आंतरिक समीकरणों में घोर झगड़ा बड़ा हो रहा है। तो संतों घर में झगड़ा भारी, ऐसी परिस्थिति में उपचुनाव में पूरी तरह से सपा और कांग्रेस भारी दिख रही है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जैसे इन सीटों पर और समीकरण खुलेंगे हम फिर से उन पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारी इस बातचीत और विश्लेषण को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।